बच्चों, हाय को हिंदी में नमस्ते बोलते हैं। मैं आपकी हिंदी टीचर, मेरा नाम सविता। आज यहाँ पे कक्षा कौन से, यहाँ पे कक्षा चार है, यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड। ओके, आज हम कुछ ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सबको हमेशा से पता है। आपको पता है साहस के बारे में? यस, साहस इस शब्द में इतनी शक्ति है कि साहस यानी कि बिना डरे, बिना अपनी जान की परवाह करे दूसरों की जान को बचाना। फॉर एग्जाम्पल, नाउडेज आजकल हम सब टीवी में देखते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे दूसरों की जान बचाते हैं अपनी जान पर खेल के, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। उसी तरह यहाँ पे जो पाठ है, उस पाठ का नाम है यहाँ पे साहसी नेत्रावती। क्या है यहाँ पे? साहसी नेत्रावती। देखो, जो लड़की है साहसी नेत्रावती, उसका नाम है नेत्रावती और उसकी जो उम्र है 14 वर्ष। 14 यानी कि 14 इयर्स। आपको पता है 14 इयर्स? यस। फॉर एग्जांपल, सेम जो आप यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड हो ना, आपके एज से थोड़ा ज्यादा यानी कि 4 वर्ष से ज्यादा। तो यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ था? नेत्रावती का जन्म कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, यानी कि हमारे राज्य में हुआ था, कर्नाटक राज्य में। और यहाँ पे जो पुरस्कार है उसे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। देखो, इस पुरस्कार को हर किसी को नहीं दिया जाता। जो बच्चे कुछ साहस करते हैं, जो साहसिक होते हैं, सिर्फ उनके लिए इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साहसी नेत्रावती के बारे में, अभी मैं आपको किताब में पढ़ के सुनाऊंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे पाठ का नाम क्या है? साहसी नेत्रावती। देखो, कहते हैं वीरों की उम्र नहीं देखी जाती, सच्चे वीर बचपन से ही अद्भुत साहस से भरे होते हैं। कम से कम नेत्रावती के साहस की कहानी तो यही कहती है। नेत्रावती उन साहसी बच्चों में से एक है जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक में जन्मी नेत्रावती की अवस्था उस समय लगभग 14 वर्ष की थी जब यह घटना घटी। एक दिन जब वह तालाब के पास कपड़े धो रही थी, तब उसने देखा कि दो लड़के वहां आए और उन्होंने तालाब में डुबकियां लगाना शुरू कर दिया। शायद उन्हें तालाब की गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं था। तो बच्चों, अभी हमने पाठ को पढ़ा ना, आपको पता है हम कुछ समय या कुछ टाइम में व्हाट्सएप में वीडियोस देखते रहते हैं। जैसे कि कुछ वीडियो ऐसे आते हैं कि एक वहाँ पे ये होती है, क्या होता है वहाँ पे, एक बड़ी सी नदी यानी कि रिवर होती है। उस नदी में कोई पशु यानी कि एनिमल या गाय या वहाँ पे कुत्ता या वहाँ पे बिल्ली कैट, वो उस नदी में गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोई पर्सन कोई व्यक्ति क्या करता है, रस्सी यानी कि रूप की सहायता से उस नदी में उतर कर उस प्राणी की रक्षा करता है। देखते हैं ना, तो यही साहस है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना उस छोटे से प्राणी को बचाता है। इसे ही हम इंसानियत कहते हैं कि अपने प्राण की चिंता करे बिना दूसरों के या दूसरा व्यक्ति या दूसरा प्राणी पक्षी किसी और की जान बचाना, है ना, इसे हम साहस बोलते हैं। उसी साहस की तरह यहाँ पे जो पाठ है साहसी नेत्रावती, ये भी एक छोटी सी बच्ची यानी कि 14 वर्ष की जो बच्ची है उसके साहस के बारे में दिया गया है कि किस तरह उसने अपने प्राण को वहां पे खतरे में डालकर दूसरों के प्राण की रक्षा की। देखो यहाँ पे क्या है, कहते हैं वीरों की उम्र नहीं देखी जाती, सच्चे वीर बचपन से ही अद्भुत साहस से भरे होते हैं। देखो यहाँ पे जो वीर होते हैं उनकी कोई उम्र नहीं होती, जो वीर होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती। या बच्चे वीर हो सकते हैं, या बड़े वीर होते हैं,
या बूढ़े वो भी वीर हो सकते हैं, वो उनके साहस के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे उम्र बोलते एज सच्चे वीर यानी कि ट्रू हीरो, सच्चे वीर जो होते हैं वो बचपन से ही अद्भुत यानी कि अमेजिंग अद्भुत साहस से भरे होते हैं। कम से कम नेत्रावती की साहस की कहानी तो यही कहती है। नेत्रावती उन साहसी बच्चों में से एक है जिसे गणतंत्र दिवस पर, पता है गणतंत्र दिवस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा मरणोपरांत, देखो यहाँ पे मरणोपरांत यानी कि आफ्टर डेथ, मरणोपरांत यानी मरने के बाद, मरने से पहले नहीं मरने के डेथ के बाद दिया जाता है उस पुरस्कार को प्रधानमंत्री द्वारा। यहाँ पे साहसी नेत्रावती को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो यहाँ पे जो नेत्रावती थी उसे गणतंत्र दिवस पर रिपब्लिक डे पर प्रधानमंत्री द्वारा प्राइम मिनिस्टर द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, जो मरने के बाद दिया जाता है उसे हम मरणोपरांत बोलते हैं, वो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसने उसे मरने के बाद दिया गया? उसका रीजन यहाँ पे है। देखो कर्नाटक में जन्मी नेत्रावती की अवस्था उस समय लगभग 14 वर्ष थी। जो नेत्रावती है उसकी जो साहस कहानी है वो लड़की हमारे राज्य कर्नाटक में ही जन्म ली थी। उसकी वर्षा उसकी आयु उस समय जब उसने साहस किया था उस समय 14 वर्ष यानी कि 14 ईयर्स की थी जब यहाँ घटना घटी। घटना यानी कि इंसिडेंट, ओके। जब यहाँ घटना घटी थी, एक दिन जब वह तालाब के पास कपड़े धो रही थी तब उसने देखा कि दो लड़के वहां आए, उन्होंने तालाब में डुबकियां लगाना शुरू कर दिया। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल विलेजेस में यानी कि गांव में वहां पे छोटे छोटे तालाब होते हैं, छोटे छोटे तालाब हो वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे जो लोग होते हैं वो एक घंटरी में कपड़े यानी कि क्लॉथ वहां पे लपेट के उस घंटरी को सिर के ऊपर लेके तालाब के पास जाके कपड़े धोते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो नोवे डस्ट क्या करते हैं, घर पे वॉशिंग मशीन होती है या घर पे कोई धो देता है, पर बिफोर जनरेशन में या अभी भी गांव में लोग क्या करते हैं, घर के पास कपड़े नहीं धोते, वो नदी के पास या तालाब के पास किनारे जाके वहां पे कपड़े धोते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ पे नेत्रावती क्या करती है, एक दिन तालाब के किनारे कपड़े धोने जाती है और वहाँ पे कपड़े धो रहती है, तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं, दो लड़के आते हैं और तालाब में डुबकियां लगाना शुरू कर दिया। शायद उन्हें तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था, गहराई इस डेप्थ। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल आप घर में आपके मम्मी पापा के पास बोलते हो, यही पे कुत्तुर में कि कुत्तुर को जो कहरे है हमें yes, उसे हम तालाब बोलते हैं, उस तालाब के पास जाते हैं करके आप पेरेंट्स को बोलते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है, वहाँ पे डेंजर है, क्योंकि तालाब का जो पानी है वो बहुत गहराई पे होगा यानी कि डेप्थ पे होगा, वहाँ पे मत जाओ, इस तरह से आपके पेरेंट्स आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जो लड़के वहाँ पे तालाब के पास डुबकियां लगा रहे थे उन्हें नहीं पता कि तालाब की गहराई कितनी अंदर है। देखो यहाँ पे किताब में यहाँ पे जो चित्र है ना, यहाँ पे इस चित्र में यहाँ पे जो लड़की है नेत्रावती और यहाँ पे तालाब के किनारे बैठ के कपड़े धो रही है और जो दो लड़के हैं यहाँ पे वो तालाब में डुबकियां लगा रहे हैं, है ना। इस तरह से जो वहाँ पे तालाब के पास बैठी नेत्रावती उस लड़कों को देख रही होती है, तो इसके बाद क्या होगा, उन लड़कों को क्या होगा और नेत्रावती किस तरह से साहस करके उनकी जान बचाएगी, इसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप एक बार घर में जरूर इस पाठ को, साहसी नेत्रावती पाठ को एक बार पढ़िए। ओके, धन्यवाद।